दोस्तों आज के इस वीडियो में बताएंगे कि जन्म प्रमाण पत्र बर्थ सर्टिफिकेट कैसे ऑनलाइन बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमको लाइव प्रोसेस बताएंगे और सिखाएंगे और साथ साथ हम आपको जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड करके भी दिखाएंगे लाइव इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तभी आप समझ पाइएगा। बर्थ सर्टिफिकेट आपकी बर्थ की प्रूफ रहती है जो कि हर काम के लिए, चाहे स्कूल में एडमिशन हो या किसी भी अन्य तरह के काम के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो बहुत सारे इनके फायदे हैं। अगर आपके बच्चे किसी सरकारी अस्पताल में फायदा हुआ है तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर किसी सरकारी अस्पताल में नहीं हुआ या किसी अन्य जगह पे हुआ है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना होगा। तो आज के इस वीडियो में बताएंगे बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं और लाइव आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करके हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए समय न गवाते वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरी तरह अच्छे से समझ पाइएगा किस तरह आप एक बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने आपको सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड की आपको यहाँ पे एक वेबसाइट दी है जहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट आप बना सकते हैं, बर्थ डेट दोनों की बना सकते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे सबसे नीचे मिलेगा जनरल पब्लिक साइनअप पे, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक साइनअप का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक यूजर नेम देंगे, जो नेम यूजर नेम से लॉगिन करना चाहते वो यूजर नेम देंगे। यहाँ पे एक ईमेल आईडी देंगे, यहाँ पे एक मोबाइल नंबर देंगे और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देंगे। जैसे कैलेंडर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ओनली 21 दिन का ही सेलेक्ट लें, क्योंकि इसमें जो बर्थ सर्टिफिकेट आप 21 दिन का ही ऑनलाइन बना सकते हैं। अगर 21 दिन के ज़्यादा है तो उसके लिए भी अलग प्रक्रिया है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आप कमेंट करके हमें बता दीजिए कि हमें इस वीडियो की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में 21 दिन में जिस बच्चे की उम्र 21 दिन से कम है, ठीक है, या जिस जो भी डेट कर गए उसकी डेट 21 दिन से कम ही हुआ है, तब उसकी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इस वेबसाइट से बना सकते हैं। चलिए अभी जिसका मैं बना रहा हूँ उसका उम्र 21 दिन से कम है, तो यहाँ पे आप उसकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑल इंडिया कहीं से भी आप बना सकते हैं। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट हो। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको विलेज सेलेक्ट करना, जो भी आपका विलेज है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यूनिट पे ग्राम पंचायत आपको सेलेक्ट करना होगा, अपना ग्राम पंचायत को। उसके बाद इस कैप्चर को इस बॉक्स में फिलअप करेंगे रजिस्टर बटन पे। उसके बाद यहाँ पे थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन का एक मैसेज आ जाएगा। प्लीज़ चेक योर ईमेल आईडी एक्टिवेशन योर एक्टिव योर यूजर आईडी। रजिस्ट्रेशन हो चुका, आप इसे एक्टिवेट करेंगे। हमारे मेल पे एक मेल आ चुका है, ये देख सकते हैं। इस मेल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इस मेल में आपका एक लॉगिन आईडी रहेगा और यहाँ पे एक्टिवेट करने के लिए क्लिक हियर का ऑप्शन रहेगा। सबसे पहले इस यूजर आईडी लॉगिन आईडी जो मिला है इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे यूजर आईडी देंगे जो मेल पे मिला होगा। यहाँ पे एक पासवर्ड देंगे जिसमें आपको कैपिटल, स्मॉल, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर वगैरह सारा चीज़ रहना चाहिए। उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। उसके बाद इस कैप्चर को इस बॉक्स में फिलअप करेंगे। इस कैप्चर को इस बॉक्स में फिलअप करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका पासवर्ड सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। यहाँ पे लॉगिन आईडी देंगे जो मिला था हमको, जो पासवर्ड मैंने अभी बनाया वो पासवर्ड देंगे। इस कैप्चर को यहाँ पे फिलअप करेंगे, उसका लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं ये लॉगिन हो चुका है। बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और डेथ सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है एड बर्थ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको लैंग्वेज, सबसे पहले आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना, प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद सेकेंडरी लैंग्वेज में आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे दो लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे दो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, यही दो लैंग्वेज आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ फॉर्म नंबर को खाली छोड़ेंगे, यहाँ रिपोर्टिंग डेट ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पे जन्म की तिथि देंगे, डेट ऑफ बर्थ देंगे, बच्चे जिसके आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे उसकी लिंक सेलेक्ट करेंगे, मेल या फीमेल। उसके बाद उसकी बच्चे का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आपको देना होगा। पहले आपको सबसे पहले ऊपर वाले में हिंदी देना होगा, उसके बाद नीचे में इंग्लिश देना होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पहला नाम फर्स्ट नेम मांग रहा है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको हिंदी में फर्स्ट नेम देना होगा, उसके नीचे अंग्रेजी में फर्स्ट नेम, पहले हिंदी में फर्स्ट नेम, उसके बाद अंग्रेजी में फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम पहले हिंदी में, उसके बाद नीचे में अंग्रेजी में, इसी तरह लास्ट नेम पहले हिंदी में, उसके बाद नीचे में अंग्रेजी में देना होगा। यहाँ पे एक ईमेल आईडी देंगे, यहाँ पे बच्चे का आधार कार्ड है तो आधार कार्ड दे सकते हैं, नहीं तो इसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जन्म का स्थान आपको सेलेक्ट करना होगा, कहाँ पे जन्म हुआ है, तो यहाँ पे घर सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर सरकारी अस्पताल में होता है तो सरकारी अस्पताल वाले देते हैं, अगर सरकारी अस्पताल पर नहीं हुआ तो यहाँ पे घर को सेलेक्ट करेंगे।
और यहाँ पे पूरा एड्रेस दे देंगे कहाँ पे जन्म हुआ है, तो उसका पूरा पता यहाँ पे आपको दे देना होगा। यहाँ पे अपना विलेज नेम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सारा चीज़ सेलेक्ट करना, पिन कोड देना होगा। उसके बाद यहाँ फादर इन्फॉर्मेशन देना, फादर के फर्स्ट नेम हिंदी में, उसके नीचे अंग्रेजी में, इसी तरह मिडिल नेम पहले हिंदी, उसके बाद नीचे अंग्रेजी, फिर लास्ट नेम पहले हिंदी, उसके बाद अंग्रेजी। उसके बाद यहाँ फादर का आधार नंबर देंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर दे दीजिए, बेहतर आपको सर्विस मिलेगा, ताकि अपडेट आपको आपके मोबाइल पे मिलते रहे। जब भी आपका सर्टिफिकेट रेडी होता है तो आपको मोबाइल पे सूचित किया। उसके बाद यहाँ पे मदर का नाम देंगे, मदर का फर्स्ट नेम हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में, मिडिल नेम हिंदी में, उसके बाद नीचे में अंग्रेजी में, इसी तरह लास्ट नेम पहले हिंदी, उसके बाद अंग्रेजी। अगर हिंदी लिखने में आपको परेशानी हो रही है, हिंदी लिखने में आपको परेशानी हो, तो आपको गूगल इनपुट टूल पे आना हो, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। यहाँ लैंग्वेज पे क्लिक करके यहाँ पे लैंग्वेज में हिंदी सेलेक्ट करेंगे। जिस तरह आप व्हाट्सएप पे लिखते हैं, उस तरह आप यहाँ पे व्हाट्सएप की तरह, जैसे आप हिंदी में लिखें अंग्रेजी में लिखेंगे हिंदी में कन्वर्ट करके दे देगा, उसी तरह आपको यहाँ पे लिखना हो, जैसे अंग्रेजी में लिखेंगे हिंदी में कन्वर्ट करके दे देगा, यहाँ से कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मदर का आधार नंबर है तो दे सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी देंगे, यहाँ मोबाइल नंबर है तो दे सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं, तो सिर्फ फादर में मोबाइल नंबर दे सकते हैं। उसके बाद नीचे के बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पिता इंडिया या इंडिया से बाहर, वो सिलेक्ट करेंगे, तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे। बच्चे के जन्म के समय माता पिता का एड्रेस कहाँ था, मतलब स्थायी पता माता पिता का क्या है, वो आपको यहाँ पे देना होगा। जिस समय बच्चे की जन्म हुआ तो उस समय माता पिता कहाँ रहते थे, अगर रेंट पे रह रहे थे तो उस रेंट का जगह का एड्रेस आपको देना होगा। उसके नीचे यहाँ पे स्थाई पता, मतलब कहाँ की निवासी या स्थाई कहाँ की निवासी हैं इनके माता पिता, वो आपको यहाँ पे देना होगा। अगर आपको दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पे इस बॉक्स में टिक मार्क लगाएंगे, ये दोनों आपको फिलअप हो जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे कह रहा है कि आवेदन अप्लाई कौन कर रहा है, जो अप्लाई करेगा उसका नाम देंगे, उसका एड्रेस देंगे और यहाँ पे पिन कोड देंगे। अगर ये अप्लाई उनके फादर कर रहे हैं तो इसमें टिक मार्क लगाएंगे, तो फादर की जो डिटेल है, नाम, एड्रेस, वो सब यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कुछ इस तरह का यहाँ पे आएगा, यहाँ पर आपको एड्रेस देना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपका स्टेट सेलेक्ट रहेगा, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका प्रखंड वगैरह यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से पूछेगा आपकी धर्म, आप किस रिलीजन से आते हैं, वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है पिता, जो उसके फादर, बच्चे के फादर, वो कहाँ तक पढ़े, वो सिलेक्ट करेंगे, और वो उसके फादर क्या करते हैं, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया गया, अगर पता नहीं आपको तो यहाँ पे पता नहीं का ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मदर कहाँ तक पढ़े, उसको आपको सेलेक्ट करना होगा, और मदर क्या काम करती वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आना है, ये सब अदर इन्फॉर्मेशन देना चाहे तो दे सकते हैं, ठीक है, जैसे कि माँ की उम्र कितने साल, माँ बच्चे की माँ, जब बच्चे की माँ की शादी हुई थी उस समय उसकी एज क्या थी, ठीक है, और बच्चे की, और ये बच्चे का जन्म जो हुआ है तो उस समय माँ का एज क्या था, इनके मदर को कितने बच्चे, वो आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है प्रसव जो कैसे संभव हुआ, रिश्तेदार या डॉक्टर से प्रसव, किसके द्वारा प्रसव किया गया है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप स्वाभाविक नॉर्मल सेलेक्ट करेंगे, जन्म के समय बच्चे का उम्र क्या है, वो आप यहाँ से दे सकते हैं। ये सब देना ज़रूरी नहीं है क्योंकि अदर इन्फॉर्मेशन है, इसमें लाल स्टार लगा तो ये देना आपको ज़रूरी था। उसके नीचे आएंगे, यहाँ फादर की एक, उसके बाद यहाँ पे आपको एक रिपोर्टिंग वगैरह है डॉक्टर का, तो वो अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे खाली छोड़ सकते। उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कुछ इस तरह आएगा, यहाँ पे जो डिटेल आपने फिलअप नहीं किया वो यहाँ पे वार्निंग देगा। उसके बाद अगर पूरा डिटेल फिलअप कर दिया तो ये वार्निंग नहीं आएगा। उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करें, जिसे ओके बटन क्लिक किया आपने जो जानकारी दिया था वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे शो कर देगी, ठीक है। तो आप रिपोर्टिंग में बच्चे का कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। ये पूरी जानकारी सही है तो आप सबमिट करेंगे, अगर आपको कोई चेंज करना है तो आप एडिट पे क्लिक करके उसे चेंज भी कर सकते हैं। चलिए मेरी सारी जानकारी सही है तो सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, जो आपकी जानकारी सबमिट हो जाएगी फिर से इस बात पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन अंडर सबमिशन पे क्लिक करेंगे। उसका जो आपने किया था सबमिट वो आपको पूरी डिटेल वहाँ पे मिल जाएगी, आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, यहाँ से रिमार्क क्लिक करके व्यू कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड एंड व्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से वो रसीद आप फिर से डाउनलोड कर सकते हैं जो आप सबमिट करने के बाद आपको दिया गया था। जब आपकी सर्टिफिकेट रेडी हो जाती है तो फिर से आपको इसी पे आना होगा, यहाँ पे प्रिंटिंग रिपोर्टिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे प्रिंटिंग रिपोर्टिंग पे क्लिक कर कुछ इस तरह न्यू टैब ओपन हो जाएगी और यहाँ से अपना जन्म प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। यह आपको अप्लाई करने के बाद 7 से 21 दिन तक
या 30 दिन तक का भी समय ले सकता है, ठीक है। उसके बाद आप यहीं से सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये जन्म प्रमाण पत्र, और नीचे में आपको देख सकते हैं यहाँ पे सिग्नेचर मोहर सारे चीज़ यहाँ पे दिया गया, QR कोड भी दिया गया, इशू डेट देख सकते हैं 3/10/2020, यानी कि आज के डेट में जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ इसी दिन को ये इशू भी हुआ, और यहाँ पे इशू करने वाले के सिग्नेचर भी आप देख सकते हैं। डायरेक्ट इस सर्टिफिकेट को आप यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट भी कर सकते हैं। ये था पूरा प्रक्रिया क्या एक पूरा प्रक्रिया कि 21 दिन से कम उम्र वाले बच्चे किस तरह जन्म प्रमाण पत्र या डेथ सर्टिफिकेट बनाना, तो आपको यही प्रक्रिया से गुजरना होगा, ठीक है, तभी आप एक बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन 21 दिन से कम का बना सकते हैं। अगर 21 दिन का ज़्यादा का बनाना है तो आपको कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी इस चैनल पर दे दूंगा। अगर चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।